Hello everyone, in this video today I will cover what is the difference between bitmap and vector image, and I will cover this topic in both languages like in Hindi और English। तो सबसे पहले हम हिंदी में चलेंगे, फिर बाद में इंग्लिश में देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे डिफरेंस देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम बिटमैप और रास्टर इमेज के पॉइंट लिखेंगे और राइट साइड में वेक्टर इमेज के। सो फर्स्ट पॉइंट है तो पिक्चर्स पिक्सल बेस्ड होते हैं, यानी जो बिट मैप के पिक्चर्स हैं वो पिक्सल बेस्ड होते हैं और जो वेक्टर इमेज हैं उनके जो पिक्चर्स बनते हैं वो मैथमेटिकल शेप्स के द्वारा बनते हैं। ठीक है, सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए शेप्स बनाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इमेज का डायमेंशन और रेजोल्यूशन निश्चित होता है, यानी इनका जो शेप और साइज है वो निश्चित साइज होता है और वेक्टर इमेज को हम किसी भी साइज में स्केल कर सकते हैं, यानी इनका कोई निश्चित डायमेंशन और रेजोल्यूशन नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट है इमेज का आकार जितना बड़ा होगा फाइल की साइज भी उतनी ही बड़ी होगी, यानी इमेज का साइज जितना ज़्यादा होगा उसका फाइल साइज भी उतना ही ज़्यादा रहेगा और वेक्टर इमेज के में जो फाइल का साइज है वो छोटा रहता है। बिटमैप इमेज में अगर हम फाइल फॉर्मेट की बात करें तो वो है हमारे पास जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी, टिफ, बीएमपी और पीएसडी। और वेक्टर इमेज के फाइल फॉर्मेट की बात करें तो हमारे पास है .ai .cdr .svg। कॉमन रास्टर सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास है वो फोटोशॉप और GIMP, और कॉमन रास्टर वेक्टर सॉफ्टवेयर है यानी जिनके द्वारा हम वेक्टर इमेजेस बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं वेक्टर इमेजेस को, वो है इलुस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और इंकस्केप। आसानी से कई सारे कलर को ब्लेंड करके पेंटिंग किया जा सकता है, यानी बिटमैप इमेज में क्या होता है कि हम बहुत सारे कलर्स को आपस में ब्लेंड यानी मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करने के बाद एक स्मूथ पेंटिंग हम बना सकते हैं। और वेक्टर इमेज में कलर्स को ब्लेंड या मिक्स करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्मूथ पेंटिंग नहीं बना सकते हैं, इसलिए जो बिटमैप इमेज है वो पेंटिंग के लिए परफेक्ट है और वो जो वेक्टर इमेज है वो ड्राइंग के लिए परफेक्ट है। रास्टर इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है बट इसमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, जबकि वेक्टर इमेज को आसानी से रास्टर इमेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो गाइज ये सब पॉइंट हैं हिंदी में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटमैप एंड वेक्टर इमेज। अभी हम इंग्लिश में देखें कि इंग्लिश में इस डिफरेंस को कैसे लिखेंगे। और देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, अभी जो इंग्लिश के नोट्स दिखाऊंगा वो सिर्फ एक एक लाइन के हैं और हो सकता है तो आप मतलब हिंदी वाले भी उन्हीं इंग्लिश नोट्स को लिख सकते हो अपने आंसर में, याद करना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है बिटमैप और वेक्टर इमेज, तो बिटमैप यहाँ पे सामने देखो बिट का यूज किया, यहाँ पे डॉट डॉट को मिला के ये सारा बिटमैप लिखा गया है। और यहाँ पे देखो जैसे सर्कल है, स्ट्रेट लाइन, कर्व, एंगल्स, इन सब को मिला के ये शेप्स बनाएगी ये वेक्टर इमेज के लिए, राइट। सो पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेड अप ऑफ ए पिक्सल्स इन ए ग्रिड, यानी ग्रिड में हम पिक्सल्स का यूज करके इन पिक्चर्स को बनाते हैं और वेक्टर इमेज को मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज करके बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, यानी ये जो वेक्टर बिटमैप इमेज होती है रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है, यानी इनका जो डायमेंशन होता है वो फिक्स्ड रहता है, जबकि वेक्टर इमेज जो है वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती है, यानी इससे इनको कोई लेना देना नहीं होता। लॉसेस क्वालिटी व्हेन रीसाइज्ड, जब भी बिटमैप इमेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है तो ये अपनी क्वालिटी को लॉस करते हैं, यानी इनकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है, जबकि वेक्टर इमेज को आप किसी भी साइज में स्केल कर सकते हैं, वो साइज वैसे का वैसा ही रहता है और उसमें किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं आता। रेजिस्ट्रिक्टेड टू ए रेक्टेंगल, यानी बिटमैप आपको पता है कि ये डॉट को मिला के बनी होती है, पिक्सल को मिला के बनती है, इसलिए ये मतलब एक रेक्टेंगल की शेप में ही बने रहने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, जबकि वेक्टर इमेज में किसी भी टाइप का बैकग्राउंड नहीं होता और इनको हम किसी भी आकार में स्केल कर सकते हैं। ये वेब फ्रेंडली होते हैं और जो वेक्टर इमेज है वो प्रिंट फ्रेंडली होते हैं, यानी वेक्टर इमेज से हम ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं और ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए हम इन ड्राइंग्स वेक्टर इमेजेस का यूज करते हैं। और ऑनलाइन कोई भी इमेज वगैरह अपलोड करनी हो या वेबसाइट के लिए या किसी चीज के लिए भी जो ऑनलाइन अपलोड होती है, मतलब इमेज जहाँ पे, तो वहाँ पे हम बिटमैप इमेज का यूज कर सकते हैं। एसोसिएटेड फाइल टाइप्स, वेक्टर और बिटमैप दोनों को देख लेते हैं कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट जो हम यूज करते हैं। तो बिटमैप में हमारे पास GIF, JPG, PNG, PSD, TIFF, और वेक्टर की बात करें तो हमारे पास है .eps, .ai, .cdr और लास्ट में .svg। तो ये है डिफरेंस बिटवीन बिटमैप और वेक्टर इमेज। अगर गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा और किसी भी टाइप की हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।